वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो आज 84.40 पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि 84.40 पे क्लोजिंग डे आज यहाँ पे सेल स्टॉक ने 3130 पैसे अब क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। पिछले वन वीक में बहुत सी गिरावट यहाँ पे हो चुकी थी, आज यहाँ पे स्टेबल दिखाई दिया था प्रीवियस क्लोजिंग के साथ, यानी कि आज वो यहाँ पे आप देख सकते कि ओपन हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर, फिर ऊपर यहाँ पे ज्यादा समय सेटल नहीं हो पाया, 85 लेवल पे रेजिस्टेंस लगा, फिर गिरावट देखने को मिली थी। पर प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट हो रही थी बीच बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि आज ओपन हुआ था 84.20 पे, हाई बनाया था 85.75 का और लो है 81.35 का। मार्केट क्या है, 34.63 थाउजेंड करोड़ का, पी रेशियो 2.63 का और डिविडेंड यील्ड 7.70 का। तो पिछले 5 दिनों में करीबन यहाँ पे 11-12% की गिरावट हो चुके है। वन मंथ की बात की जाए तो वन मंथ में तकरीबन 22% 21.89 तकरीबन 22% की गिरावट देखने को मिले है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक में। तो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे आप देख सकते कि 181 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, एक डोजी कैंडल पैटर्न फॉर्म हो चुका है, यहाँ से मूवमेंट भी चेंज होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं सेल स्टॉक के अंदर। तो भी यहाँ से ऊपर जाता है तो तकरीबन यहाँ पे 90 लेवल पे पहला रेजिस्टेंस लगेगा, फिर 95 पे लगेगा और नीचे आता है तो 180 लेवल जो है सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी। जब 80 लेवल को भी ब्रेकआउट देता है तो और गिरावट होने के संकेत यहाँ पे दिखाई देंगे यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल स्टॉक के लिए।